गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथ, IIMD के मौर्या। चैप्टर नंबर 1, नोविंग आवर नंबर्स। नोविंग मीन्स जानना, आवर मीन्स हमारे, नंबर मीन्स गिनती। गिनती के बारे में जानना, चैप्टर नंबर 1, गिनती के बारे में जानना। पेज नंबर 2, कंपेयरिंग नंबर, गिनती की तुलना करना। तो ट्राई दिस। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो? क्या हर पंक्ति में आप ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पता कर सकते हैं? तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम नंबर की डिजिट गिनते हैं। तो जिस नंबर की डिजिट सबसे ज़्यादा होगी, वह नंबर सबसे बड़ा होगा। ये डिजिट क्या है? डिजिट जैसे वंस में एक डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन? वंस और टेंस। 100 में 3 डिजिट होते हैं, वंस टेंस 100। 1000 में 4 डिजिट होते हैं, वंस टेंस 100,000। 10,000 में 5 डिजिट होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ऐसे हम सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम डिजिट को गिनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करके दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर देखते हैं। तो 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट को गिनेंगे। तो देखिए 310 है, इसमें कितने डिजिट हैं? 3। फिर 5000 है, इसमें 4 डिजिट हैं। फिर 100 है, फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000। 89,423 है, फिर 1473 है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है? 89,423 में। तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 89,423। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे कम डिजिट किस में है? 100 और 310 में। तो दोनों में 3 डिजिट हैं। अब हम ये 100 प्लेस पर देखते हैं, अगर डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 डिजिट का दोनों है तो हम 100 प्लेस का नंबर देखते हैं। तो 100 प्लेस पर 1 है एक में, और दूसरे में 100 प्लेस पर 3 है। तो इस स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 3 में भी हम करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिजिट गिनना है। तो देखिए 450 है, फिर 2333 है, फिर 111 है, फिर 110,000, 10,000, 75,284 है, फिर 1834 है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है? 75,284। इसमें कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं, बाकी सब 4 और 3 डिजिट हैं। तो सबसे ज़्यादा डिजिट होने के कारण 75,284 ग्रेटेस्ट नंबर बना। और स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए 3 डिजिट 111 में है और 3 डिजिट 450 में है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 100 प्लेस का नंबर आप देखेंगे, 100 प्लेस का नंबर, 100 प्लेस पर 1 है और दूसरे में 450 में 100 प्लेस पर 4 है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 111। ऐसे ही 4 को भी आप कर लेंगे। अब पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर ट्राई दिस। यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रेपिटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यूज़ द गिवन डिजिट, जो डिजिट दिए गए हैं इनका प्रयोग करके विदाउट रेपिटिशन, आपको दोहराना नहीं है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर और छोटा से छोटा नंबर आपको बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिख दीजिए, सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगा देंगे तो ये नंबर क्या बना, 8,742। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 2, 4, 7, 8, फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगा देंगे, 1, 10, 100,
के बाद कामा, तो ये पढ़ा क्या जाएगा 2478। ऐसे ही आप बनाएंगे, लेकिन सी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी में देखिए 4750 दिया गया है, तो जीरो को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, तो जीरो को सबसे पहले लिख देंगे तो जीरो पढ़ा नहीं जाएगा, वो थ्री डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमको फोर डिजिट का बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमको क्या करना है, हमको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो सेवन सबसे बड़ा नंबर है, फिर फाइव है, फिर फाइव के बाद फोर है, फिर ज़ीरो है, तो क्या बन गया 7540। और जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा तो फोर को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फोर के बाद ज़ीरो, फिर फाइव, फिर सेवन, तो ये क्या बन गया 4057। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। फिर नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। थ्री डिजिट दिए गए हैं, आपसे ये कह रहा है कि कोई एक नंबर आप रिपीट कर दीजिए, और आपको फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो इन तीनों डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है उसको रिपीट कर दीजिए। जैसे 387 में 8 बड़ा नंबर है, तो इसको आप दो बार लिख दीजिए तो रिपीट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 8000, फिर 8873। तो 8 को हमने रिपीट कर दिया और फिर 7 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 8873। और जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो तब हम 3 स्मॉल नंबर है इसको रिपीट कर देंगे 3378। 3 दो बार लिख करके फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा 3378। तो ऐसे ही बी में आपको क्या करना है, बी में देखो जीरो को रिपीट नहीं करना है, हमको ग्रेटेस्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ऐसे ही हम ये फाइव से लिखेंगे, सबसे पहले नाइन को दो बार रिपीट करेंगे, नाइन फिर फाइव फिर ज़ीरो, तो 9950। फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइव फिर ज़ीरो ज़ीरो को रिपीट कर देंगे, तो फाइव ज़ीरो ज़ीरो नाइन, ज़ीरो रिपीट हो गया। तो ऐसे ही आप को ये नंबर बनाना है क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर थ्री में मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवेन। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कंडीशन दे दी गई है, कुछ शर्त दे दी गई है, उस शर्त को कंडीशन को फॉलो करके बाकी नंबर आप अपने से वन से लेके नाइन तक आपको चुनना है, लेकिन एक डिजिट ऑलवेज फिक्स कर दी गई है। तो कह रहा है कि जैसे थ्री में वन ए करके दिखाया है, बी को आपको करना है, डिजिट फोर इज़ ऑलवेज, फिर एट टेंथ प्लेस, डिजिट फोर इज़ ऑलवेज एट टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस पर देखिए चार बॉक्स दिए गए हैं, फोर बॉक्स हैं, लेकिन टेंथ प्लेस का नंबर ऑलरेडी फोर दे दिया गया है। अब आपको इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो वन से लेके नाइन तक आप कोई भी नंबर ले लीजिए, फोर ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, जैसे वन टेन हंड्रेड थाउजेंड पर हम नाइन भर देंगे, नाइन के बाद एट भर देंगे, फोर ऑलरेडी दिया ही गया है, फिर हम सेवन भर देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम वन भरेंगे, ज़ीरो भर देंगे, फिर फोर ऑलरेडी दिया गया है, फिर क्या भरेंगे टू भर देंगे। फिर डिजिट नाइन इज़ ऑलवेज एट हंड्रेड प्लेस, तो हंड्रेड प्लेस पर नाइन ऑलरेडी बॉक्स में दे दिया गया है। अब आपको इसमें डिजिट भरना है, तो थाउजेंड के प्लेस पर आप क्या भर देंगे एट, नाइन ऑलरेडी है, फिर क्या भरेंगे सेवन, फिर सिक्स। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, वन भरेंगे, नाइन ऑलरेडी दिया ही गया है, फिर टू और थ्री भरेंगे,
ऐसे भरेंगे इसको। और डी में क्या करेंगे, डी में 110, 100, 1000 प्लेस पर चौथे बॉक्स में 1 ऑलरेडी दिया गया है, तो हमको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो फिर 9, फिर 8, फिर 7 भरेंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 1 तो ऑलरेडी दिया गया है, 2, 3, 4 ऐसे बॉक्स में भर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में टेक 2 डिजिट से 2 और 3 मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वल नंबर आप 2 और 3 दिए गए हैं, तो इसमें से कह रहा है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इन नंबरों से बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 3322। 3 को भी रिपीट करेंगे और 2 को भी रिपीट करेंगे, तो 3322। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 2233, 2 को रिपीट करेंगे और 3 को रिपीट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 बुक में दिया गया है, अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसको बुक में भर करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप WhatsApp पर भेजिए। कोई अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।